नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, लेकिन जो आदेश जारी हुए थे क्या उसका पालन हुआ, आज हम इसी की बात करेंगे आप सबके साथ। ये तस्वीरें भी साझा करेंगे। तो आपको बता दें कि इसरो द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग की लाइव तस्वीर दिखाने का आदेश भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी किया था, गाइडलाइंस जारी की थी कि अपने अपने विद्यालयों में लैपटॉप LED के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे, जिसका आदेश अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं। शिक्षा माफिया इस तरीके से प्रधानमंत्री और शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना करते हैं कि कुछ विद्यालय को छोड़कर ज़्यादातर विद्यालयों ने प्रधानमंत्री और शिक्षा विभाग के आदेश का माहौल उड़ाने का काम किया है। जब हमारे संवाददाता 5:15 से 6:15 तक जनपद के विभिन्न विद्यालयों को सर्वे किया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। कुछ विद्यालय तो आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर विद्यालय बंद थे, कहीं लाइव तस्वीर नहीं दिखाई जा रही थी। आखिर ऐसा क्यों? इससे पहले भी आप सुने होंगे, देखे होंगे, अगर हमारी खबर देखे हैं तो आप जानते होंगे कि 15 अगस्त के दिन भी कुछ विद्यालय अपने वाहन को रोक दिया था, बच्चे आए जैसे भी आना है उनको आए, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग कहाँ सो रहा था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या इन माफियाओं से सरकार तक मोटी रकम जाती है, या फिर ये उनकी पार्टी के जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? ऐसा ही मामला इसमें भी हुआ है कि जहां सारे दर्शक, सारी आम जनता बैठ करके चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करे, लेकिन वहीं विद्यालय के जो माफिया हैं, शिक्षा माफिया, वो अपना विद्यालय बंद किए हुए थे, तो कहीं LED ही नहीं लगी थी। आखिर मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पूछता हूँ कि इन शिक्षा माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या आपका बुलडोजर सिर्फ विपक्षियों पर चलता है, या आपके खिलाफ जो बोलता है उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, या फिर इन शिक्षा माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कुमार वर्मा की ये खास रिपोर्ट कि क्या कुछ हकीकत सामने आई है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आज इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के मुख्यालय आवास विकास कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सेंट्रल एकेडमी विद्यालय बहुत बढ़िया विद्यालय है। तो यहाँ पर जो है, जो आज चंद्रयान लैंडिंग है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सख्त आदेश है कि आज के दिन बच्चों को, अभ्यागों सबको जो है LCD के द्वारा जो है दिखाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर देखा हूँ कहीं कहीं 5:30 को है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आगे दिखाते हैं अगले स्कूल के बारे में क्या हकीकत है। मेमोरियल स्मारक इंटर कॉलेज लखराबाद खेल है, यहाँ पर 5:40 पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है इसरो द्वारा जो चंद्रयान पे चंद्रमा पे लैंडिंग होनी है, यहाँ पर दिखाई कोई व्यवस्था नहीं है। इस वक्त दिन के 6:15 होने लिए 6:15 है। हम जो है नानमो के प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, जहाँ पर दिखाई करता है कि ताला लगा हुआ है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो आज महत्वाकांक्षी योजना, जो देश के नाम को सम्मानित किया है, रोशन किया है कि चंद्रमा पर चंद्रयान इसरो के द्वारा आज उतरेगा, तो उसका सख्त आदेश था कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं और जितने भी सरकारी विद्यालय, सब में बच्चों को LCD के माध्यम से चंद्रयान लैंडिंग की जो पूरी विजुअल दिखाई जाएगी। लेकिन किसी भी विद्यालय में ऐसा प्रोग्राम आज नहीं हुआ है। पानी बरस रहा है, ठीक है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर कुछ न कुछ करना चाहिए। ना बच्चे आते कोई बात नहीं, अध्यापक को द्वारा चाहिए, लेकिन ना तो कोई अध्यापक बोलू से, ना एक भी छात्र बोलू से, कुछ ताला लगा हुआ है, 6:15 हुआ है। तो इस तरीके से
बाराबंकी जनपद के ज्यादातर विद्यालयों में ताला बंद है। जहाँ जहाँ हमने सर्वे किया है एक भी विद्यालय खुला हमको नहीं मिला है। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश को, शिक्षा विभाग के आदेश को किस तरीके से ये है, जितने भी शिक्षा माफिया हैं नजरअंदाज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा विभाग को इसको कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इस्तेमाल कायम रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार कैमरा पर्सन आर शर्मा के साथ बाराबंकी।